क्रिकेट में आपका स्वागत है। हम संविधान निर्माण की सीरीज चला रहे थे। पहली सीरीज में हमने संविधान निर्माण के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसके आगे का टॉपिक में हम आपको बताएंगे, संविधान की जो समितियां थीं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संविधान की मुख्य समितियां थीं वो दो प्रकार की समितियां थीं, जिनमें से थी एक बड़ी समिति जो 8 थी और एक थी छोटी समितियाँ जो 13 थी। इन समितियों का मुख्य कार्य था भारत की उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, समितियों का ये मुख्य कार्य था भारत की उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान का निर्माण करना। वो चाहते थे कि समिति के अनुसार ऐसे संविधान का निर्माण हो जो भारत के जो आम जन हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उन परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन भी हो सके समय के अनुसार, ताकि जो समस्याएँ हैं वो जल्दी जल्दी सही हो सकें और भारत में अच्छी तरह प्रगति हो सके। जो दो समितियों के बारे में हमने बताया, एक थी बड़ी समिति जो 8 थी और छोटी समितियां थीं। अब हम बड़ी समिति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो बड़ी समितियां थीं इसमें आप देख रहे हैं 8 समितियां बड़ी समितियां थीं, लेकिन 8 समितियों में से हमें सारी समितियों के बारे में नहीं लिखना है, ना ही बताना है। इसमें से हमें वही समितियों के बारे में बताना है जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो रिपीट होती हैं, हमको उस चीज़ को फोकस करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम क्रॉस करना है, ना कि किसी चीज़ पर रिसर्च करना है। ठीक है, तो हमको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना हमको बहुत कुछ है, सारी चीज़ों से पढ़ना है, तो हमको उतना ही लेना है जहाँ से हमारा एग्ज़ाम क्रॉस हो जाए और जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमें 1% के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, हमें वहाँ पर भागना है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होता है। ठीक है, तो आइए हम बड़ी समितियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी समितियाँ थीं जो 8 थी, जिनके बारे में हम बारी बारी से आपको बताते हैं। एक थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी थी संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है आपकी आती है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल थे जिसके अध्यक्ष। फिर आती है प्रारूपी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फिर आती है राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ऐसी समितियाँ हैं जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो इसको आप एक जगह भी लिख सकते हैं अलग से, ताकि आपको ये याद बना रहे कि इन 3 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बाकी की ये जो 3 समितियां हैं इनके अध्यक्ष कोई और हैं, जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। देखिए, इसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि फला फला समिति के अध्यक्ष क्या कौन थे, या फिर आपको मिलान करने के लिए भी आ सकता है, सीक्वेंस मिलाने के लिए एक तरफ समितियां होंगी एक तरफ अध्यक्ष लिखे होंगे, तो आपको मिलाना पड़ेगा कि कौन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये तो अलग बात है। अब आप देखेंगे इन सारी समितियों में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने वाली समिति है वो है आपकी प्रारूपित समिति। प्रारूपित समिति में ही आपके संविधान निर्माण का मुख्य मूल छुपा हुआ है और इसी के अनुसार ही आपका संविधान का निर्माण का प्रारूप प्रारंभ होता है। और ये हर समिति, ये जितनी भी समितियां हैं जो बड़ी समितियों के अंतर्गत आती है, इनका क्षेत्र बटा हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत इनको अपनी बात कहनी थी और अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में पेश करनी थी। छोटी समितियों के बाद अब हम बड़ी समितियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी समितियां हमारी 13 थीं, तो 13 समितियां तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें वही समितियां पढ़ना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमने देखें 13 समितियों में से हमने 4 समितियां छाँट के लिखी हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपके पूछी जाती हैं, जिसमें हैं वित्त समिति एवं स्टाफ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है आपकी सदन समिति, B.P. सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। फिर है कार संचालन समिति, डॉक्टर K.M. मुंशी थे। फिर है राष्ट्रीय ध्वज समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें से जो राष्ट्रीय ध्वज समिति है और कार संचालन समिति है, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, वैसे ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, जितनी हमने लिखाई वो सारी समितियाँ इंपॉर्टेंट है और सारी आपको पढ़नी है, लेकिन जिन पे हम आपको बता रहे हैं कि ये ज़्यादा पूछी जाती हैं उन पर फोकस ज़्यादा करना है, बस इतना करना है, लेकिन पढ़ना हमें सब है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम क्रैक करने का एक तरीका होता है कि पढ़ें सब, लेकिन कुछ चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करें। पढ़ना तो हमको सब है, आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक भंडार होना चाहिए, अपनी जो ज्ञान का
जो क्षेत्र उसको विस्तृत करते चलें, जो चीज़ मिले उसको पढ़ें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो ये चारों समिति इम्पोर्टेंट है, इनमें से राष्ट्रीय ध्वज समिति और कार्य संचालन समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने बड़ी समितियों के बारे में भी आपको बताया था। अब इनको याद करने का कैसा तरीका है, पहली बात दिमाग से ये निकाल दें कि हमको कोई चीज़ याद करनी है, सिर्फ दिमाग में इतना रखें कि हमको पढ़ना है। देखिए, याद करने का अगर सोचेंगे तो दिमाग में बर्डन बढ़ेगा, जिससे कारण चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल सा पढ़ना है, पर डे दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले तो इन समितियों या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप एक जगह लिख लें इनको, और इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं, और ये धीमे धीमे कुछ दिनों के बाद आपको क्या होगा, याद हो जाएंगी, यानी कि आपको बिल्कुल रट जाएंगी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको रटनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो ये पढ़ाई का एक सही तरीका होता है। हमने देखिए दोनों समितियों के बारे में डिस्कशन कर लिया था, बड़ी समिति और छोटी समितियाँ। अब जो आपकी बड़ी समिति में, अब हम इम्पोर्टेंट समिति के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें है प्रारूप समिति। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा पेपर में एग्ज़ाम में पूछी जाती है। प्रारूप समिति के ऊपर ही हमारे संविधान निर्माण का पूरा कारोबार था और उसी को सारी चीज़ें देखनी थी। प्रारूपित समिति में 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत, और इसका गठन, प्रारूपित समिति का गठन आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष समेत इनकी संख्या 7 थी। अब इनके देख लेते हैं कौन कौन अध्यक्ष और सदस्य हैं। इसमें B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, फिर इसके बाद अगले सदस्य हैं N. गोपालस्वामी अयंगर, फिर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी। क्यों ली थी? B.L. मित्र के स्वास्थ्य के कारणों के कारण उन्होंने इस समिति से अपनी सदस्यता ख़त्म कर दी थी, जिसके कारण इनके स्थान पर N. माधव राव की उपस्थिति की गई थी। फिर इसके बाद अगले लास्ट आते हैं T.T. कृष्णामाचारी। इन्होंने भी D.P. खैतान की जगह ली थी। 1948 में D.P. खैतान की अचानक मृत्यु हो गई थी स्वास्थ्य कारणों के कारण, और जिसके कारण इनका स्थान T.T. कृष्णाचारी ने लिया था। आप देखेंगे कि जितने भी सदस्य थे उनको अलग अलग कारभार दिया गया था, और ये अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए थे, भारत के हर क्षेत्र से थे, और जिनको भारत की परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था, और इसी के अनुसार इन्होंने कई सारे संविधानों का गहन अध्ययन प्रारंभ कर दिया। कई सारे संविधानों का गहन अध्ययन प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक भारत के संविधान का निर्माण किया। आप जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। अब संविधान की विशालता का मुख्य कारण क्या है? आप ज़्यादातर देशों में देखेंगे जो संविधान बने हुए हैं वहाँ पर सिर्फ केंद्र के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन भारत के संविधान में आप देखेंगे कि केंद्र के साथ साथ राज्यों और पंचायती राज की भी चर्चा की गई है, जिसके कारण इसका जो क्षेत्र विस्तृत हो गया है। और भारत के संविधान में कोशिश ये की गई है कि हर क्षेत्र की चर्चा करी जाए, हर क्षेत्र के बारे में बताया जाए, हर क्षेत्र के बारे में नियम कानून बनाए जाए, ताकि उनका तीव्र गति से विकास किया जा सके। तो आप देखेंगे समिति सीरीज़ में आप देखेंगे कि प्रारूपित समिति बहुत ही मुख्य थी, जो जिसने संविधान निर्माण में अहम योगदान निभाया। हमने प्रारूपित समिति के बारे में डिस्कशन किया, अब आगे हम देखते हैं कि हमारे संविधान का अंतिम रूप कैसे दिया गया, कैसे कैसे क्या हुआ। तो आप देखते हैं हमारे समिति में प्रारूपित समिति की कुल 141 बैठकें हुई, आप बोर्ड पर देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो, 141 बैठकें हुई थी, जिसमें पहला प्रारूप हमारे जो संविधान का पहले प्रारूप दिया जाता था, यानी कि ब्लूप्रिंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई चीज़ बनाएं, कोई चीज़ जब हम बनाते हैं तो पहले उसको हम मॉडल बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारे संविधान का मॉडल बनाया गया था, उसको लेखनीबद्ध किया गया था। तो उसमें पहला प्रारूप था फरवरी 1948 को दिया गया था, फिर दूसरा प्रारूप आपका अक्टूबर 1948 को दिया गया था, फिर अंतिम प्रारूप आपका 4 नवंबर 1948 को दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे ये बार बार प्रारूप देने का क्या मतलब था? देखिए, बार बार प्रारूप देने का मतलब ये था क्योंकि आप देखेंगे बार बार हमारे संविधान में संशोधन किया जा रहा था, ताकि संविधान की जो खामियां हों उसको दूर किया जा सके और संविधान ऐसा बने जो आम जन के काफ़ी करीब हो।
तो इसमें बार बार बैठकें हुआ करती थी। जब प्रारूप आता था, आपने बताया 141 जब बैठकें हुई, तो 141 हर बैठक हुआ करती थी। इसमें सारे लोग बैठे थे, जितने भी नेता हुआ करते थे, वो प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य, जितनी भी समितियों के सदस्य हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सारे लोग बैठा करते थे और डिस्कशन करते थे। और बाकायदा इसको एक एक बारीकी से चीज़ों को देखा जाता था कि ऐसी भी चीज़ें थी कि आगे समय के अनुसार उसको चेंज भी किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम अमेरिका की तरह बिल्कुल कठोर संविधान बना दें जिसमें कुछ चेंजेस करना मुश्किल हो, और ऐसा भी ना हो कि हम लोग बिल्कुल ऐसा संविधान बना दें ब्रिटेन की तरह जो बिल्कुल ही लचीला हो, ताकि संविधान में कभी भी कोई भी आकर चेंज कर सके। यानी कि तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, संविधान का मूल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा संविधान आप बनाना चाहते थे जिसका बेसिक तो कोई ना मिटा सके, जिसका बेसिक कोई ना मिटा सके, जो मूलभूत बना रहे, और संविधान की प्रायिकता समय के अनुसार चेंज भी होती रहे। तो हमारा संविधान कैसा है, कठोर और मृदु, यानी कि लचीले संविधान का संयोग है। तो आप देखते हैं कि अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को हुआ था, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया था, यानी कि लेखनीबद्ध हो गया था, उस समय लागू नहीं हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश एक घोषित किया गया था। गणतंत्र देश का मतलब होता है ऐसा संप्रभु देश जो अपने देश की सीमा के अंतर्गत कोई भी नियम कानून और कोई भी कार्य कर सकता है, उसको किसी बाहरी देश की सलाह या रोक टोक की आवश्यकता नहीं होती है, या कोई भी बाहरी देश उसके नियम कानून पर कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा जब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को उस संविधान के कुछ पार्ट या कुछ अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 26 नवंबर 1949 को सिर्फ संविधान लिख के ही तैयार हुआ था, इसके कुछ पार्ट को भी लागू कर दिया गया था, यानी कि 20% या 10% पार्ट को लागू कर दिया गया था, और बाकी के बचे हुए पार्ट को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया था। आप देखते हैं हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, और संविधान के लेखाकार, आप देखते हैं ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, शायद पुलिस के एग्ज़ाम में, कुछ पहले के एग्ज़ामों में ये आया भी है, संविधान के जो मुख्य लेखाकार थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, यानी कि इसको हम टाइपिस्ट बोल सकते हैं। इन्होंने हमारे संविधान को लेखनीबद्ध किया था, और हमारा संविधान जो मूल रूप से जो बना था वो इंग्लिश में बना था, बाद में इसका पैटर्न जो किया गया वो हिंदी में कन्वर्ट किया गया। तो लेखनीबद्ध किसने किया, हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब देख लेते हैं अनुच्छेद, मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और भाग आपके 22 थे, लेकिन वर्तमान में आप क्या देखते हैं, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ गई है, 448 आपके अनुच्छेद हो गए हैं, अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं और भाग 25 हो गए हैं। लेकिन ये जो हम नंबर आपको दिखा रहे हैं ये ऐसा नहीं है, अभी भी आप 395 अनुच्छेद ही बताए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखते होंगे कई सारे अनुच्छेद के पार्ट बना दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कई सारे अनुच्छेद के पार्ट बना दिए ए बी सी डी का खा, जैसे पंचायती राज वाला आप देखें, जैसे नगर पालिका वाला देखें, उसमें कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए, उनमें काखा गागा करके उनके पार्ट बना दिए गए, और वर्तमान में भी नए समय में भी कई सारे चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। तो काखा गा ऐसे पार्ट जो जोड़ कर इनकी संख्या अगर आप देखें नंबर वाइज, अगर हम इसको काउंट करें तो 448 है, और अनुसूचियों की संख्या 12 है, ये तो 12 ही है आपको दिखाई देगी, और आपके भागों की संख्या 25 है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें, ठीक है। मूल रूप से आपके अनुच्छेद 395 थे, बेसिक रूप से अभी भी देखेंगे तो 395, या नंबर वाइज देखेंगे तो 448 हैं, 448 हैं, अनुसूचियाँ आपकी 8 हैं, भाग 22 हैं, ठीक है। तो ये संविधान निर्माण का जो टॉपिक है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको आप कहीं अच्छी जगह नोट भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हैं, और इसमें आपको जो भी खामी लगती है वो आपको, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं, उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा ताकि आपको उस चीज़ को और आराम से अच्छी तरीके से समझाया जा सके, ठीक है।
और ये संविधान निर्माण का जितना भी ये प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझाने का प्रयास किया गया है, और इसके आगे के जो पार्ट हैं हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताते रहेंगे।